हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारत में डिटर्जेंट पाउडर कैसे बनाया जाता है बताऊंगा। दोस्तों, बाजार में भिन्न भिन्न प्रकार के वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर देखने को मिलते हैं और इनको बनाने के लिए एक जगह पर एक ही फार्मूला नहीं लगाया जाता है। मतलब अलग अलग डिटर्जेंट पाउडर को बनाने में भिन्न भिन्न फार्मूला और भिन्न भिन्न चीज़ों का उपयोग किया जाता है। पर आज हम जिस विधि के बारे में बात करने वाले हैं, इस विधि का उपयोग हमारे भारत देश में ज़्यादातर किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री के बारे में, जिसमें पहला है IDET-10, दूसरा है सोडियम ट्रिपोली फास्फेट, तीसरा है क्रोना और सोडा एस, चौथा है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस, पांचवा है एसिड ब्लू कलर पाउडर और टेनुपॉल, सातवां है लिक्विड डिटर्जेंट और वाटर। इन सभी को आवश्यकता अनुसार लेकर मशीनों की सहायता से अच्छी तरह मिलाकर गूंथ लिया जाता है। यह पूरा काम मशीनों की सहायता से किया जाता है। सभी मटेरियल को बारी बारी से एक एक करके अच्छे से मशीन की सहायता से मिलाया जाता है। मशीन में 10 से 20 मिनट तक अच्छे से मिला लेते हैं। मटेरियल पूरी तरह से मिल जाने के बाद मशीन के बाहर पूरा मटेरियल निकाल लेते हैं। इस तरह से यह डिटर्जेंट पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर गीला होता है, इसलिए इसे ड्राइंग मशीन में डालकर ड्राई कर लेते हैं। डिटर्जेंट पाउडर ड्राई होने के बाद इसे मशीन से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इसमें रेड व ब्लू कलर का मटेरियल भी मिला देते हैं, जो कि एक डिटर्जेंट पाउडर होता है। इस तरह से करने के बाद इस डिटर्जेंट पाउडर को पैकिंग कर देते हैं और फिर से मार्केटिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।